इन्होंने बताया कि क्षत्रिय समाज की प्रतिभाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे आगे बढ़े और समाज के गौरव हैं इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर का 21वां क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह जवाहर रंगमंच पर आयोजित सम्मान समारोह में 189 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर का 21वां क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 रविवार 12 जून को जवाहर रंगमंच के सभागार में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। समारोह के दौरान समाज की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली क्षत्रिय प्रतिभाओं को अतिथियों द्वारा मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। संस्थान के अध्यक्ष भवानी सिंह मुंडरू ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे नहीं आ पाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा, वल्लभ नगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, नोनंद कंवर, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़, RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़, डॉक्टर शक्ति सिंह राठौड़, महावीर सिंह शेखावत और दलपत सिंह रूणीजा मौजूद रहे। समारोह में कुल 189 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इनमें 2 IPS, 6 RAS, लेखा सेवा, चिकित्सक सहित अन्य शामिल रहे। 128 प्रतिभाओं को सिल्वर मेडल प्रदान किए गए। 36 प्रतिभाओं को 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की गई। वहीं समाज के 42 बुजुर्गों का सहयोग के लिए सम्मान किया गया। श्री क्षेत्रीय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर का 21वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन हुआ, जिसमें धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और हमारे डॉक्टर साहब पूर्व चेयरमैन RPSC शिव सिंह साहब, शक्ति सिंह साहब, संताराम जी महाराज, ये सब दूर दूर से पधारे और आज इन्होंने बताया कि क्षत्रिय समाज की प्रतिभाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे आगे बढ़े और समाज के गौरव हैं इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मैं यहाँ के समाज के लिए प्रेस मीडिया का और पधारे हुए सभी डाई से बिराजे मेहमानों का आभार प्रकट करता हूँ कि सबने पधार करके इस समारोह को 189 का और 36 बच्चों को 15,000 रुपये स्कॉलरशिप दी गई है और 42 बुजुर्ग जो समाज के लिए जिन्होंने सहयोग किया है उन सबको सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए श्री क्षत्रिय विकास एवं शोध संस्थान लगातार 20 वर्षों से सम्मान समारोह आयोजित करता आ रहा है। यह आज 21वां सम्मान समारोह है, जिसमें समाज की विभिन्न उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई है। उन्होंने आह्वान किया कि जो लोग सक्षम हैं और आज उच्च पदों पर विराजित हैं, वे लोग समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सहयोग करें। हाँ, श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास शोध संस्थान द्वारा आयोजित ये 21वां प्रतिभा सम्मान समारोह था। इसमें 10वीं से लेके और PhD तक के जो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रतिभा का जो कौशल दिखाया है वो भी हैं। इसमें जो समाज के IAS IPS से लेके और नीचे तक की सर्विस के जो लोग थे उन सब लोगों को आज सम्मानित किया है। ये कार्यक्रम बहुत ही गरिमा में रहा है और पिछले 22 साल से, यानी ये 99 से ये लगातार जब से संस्था बनी है, इसके जो फाउंडर अध्यक्ष हैं भवानी सिंह जी मुंडरू अभी जो अध्यक्ष हैं, और पूरी टीम ने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। मेरी ओर से, हम सबकी ओर से जो मंच पे अतिथि थे उन सबकी ओर से सबको हम शुभकामनाएँ देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाएं और समाज के हर तबके को उनकी प्रतिभा का कैसे लाभ मिले और उनसे और भी लोग कैसे प्रेरणा लें, ये उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सफलता प्राप्ति एक काम है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद में जो नीचे लोग रह गए हैं उनको आप कैसे मतलब वापस इंस्पायर करें, कैसे आप मोटिवेट करें, कैसे आप उनको आपकी जो हैसियत बनती है, जैसे IAS बना, कोई IPS बना, वो बनने के बाद में वो और लोगों को कैसे IAS IPS बनाने में मदद करे, ये बड़ी बात है। इससे पूर्व समारोह में शामिल होने आए अतिथियों को खुली जीप में रैली के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए जवाहर रंगमंच लाया गया, जहां सभी का माल्यार्पण कर स्वागत कर उन्हें मंचासीन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीरदान सिंह राठौड़ ने क्षत्रिय प्रतिभा शोध एवं संस्थान
समारोह में जवाहर रंगमंच पर विराजमान सभी अतिथियों को ज्ञापन देकर समाज की विभूतियों से उनकी बेटियों पर दर्ज 8 साल पुराने केस मुकदमा नंबर 375/2014 थाना सिविल लाइन्स अजमेर को नतीजा रिपोर्ट अदालत में पेश करवाने के लिए SP IG और अजमेर को अवगत कराने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या वजह है कि माननीय न्यायालय के आदेशों को भी सिविल लाइन्स थाना पालना नहीं कर रहा। आज अजमेर जवाहर रंगमंच में क्षत्रिय प्रतिभा शोध एवं संतान का 12वां समारोह मनाया जा रहा था, जिसमें समाज के प्रतिभाओं को प्रशंसा पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा था। मेरी दोनों बेटियां अंजू राठौर दुर्गा राठौर ने इस संस्था से एक से अनेक बार प्रशंसा पत्र और मेडल लिए थे, लेकिन 2014 में झूठा मुकदमा दर्ज होने के बाद 2015 में प्रशस्ति पत्र और मेडल हमने लौटा दिए थे। आज 7 साल बाद में दोबारा जाके मंच के ऊपर मंचासीन जो यहाँ के अध्यक्ष है वो मेरे साले साहब मुंडो के भवानी सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी राठौर, जिला प्रमुख सुशील कंवर जी पलाड़ा और वल्लभ नगर MLA श्रीमती प्रीति जी शेखावत, समाज सेवी भामाशाह दलपत सिंह जी रोणीजा, मंच संचालक पूर्व डिप्टी जय सिंह जी जोधा साहब को ये ज्ञापन देके और 3 साल से जज यानी अदालत के कहने से पुलिस नतीजा रिपोर्ट नहीं भेज रही, उसके लिए मैंने सहयोग मांगा है। और जय सिंह जी डिप्टी साहब मंच संचालक से मैंने 1 मिनट बोलने का समय मांगा जो नहीं दिया, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्यों मेरी मुख्य लड़ाई RK मार्बल से है जो आज का अकबर औरंगजेब है और उसके नीचे बीजेपी कांग्रेस के मंत्री नेता कमा के खाते हैं। तो मैं मानता हूं कि बेचारों की मजबूरी थी इसलिए बोलने का तो नहीं दिया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा भवानी सिंह जी, सुशील कुमार जी पलाड़ा और धर्मेंद्र सिंह जी राठौर से कि अजमेर IG और SP को कहके सिविल लाइन थाना के अंदर मुकदमा नंबर 375/14 जिसके लिए अदालत बार बार नतीजा रिपोर्ट पेश करने का कह रही है वो नहीं कर रहे। वो नतीजा रिपोर्ट पेश करने के लिए मैं निवेदन करने गया था, न कि कोई मुआवजा आरक्षण नौकरी या कोई भीख मांगने समाज से गया था।